vabbè, mandrini, arrivo un lao. Bye.
Oh,
ना कल है। जी लो इसे कुछ इस तरह कि जो भी मिले आपसे वही कहे, बस यही जिंदगी का सबसे हसीन पल है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। चाहते हैं अगर पाना ऐसी ही बंदगी, तो आज देखिए बीएन परिवार में एक बेटी की जिंदगी, एक बेटी की जिंदगी, मेरी जिंदगी ग्रुप। अब बिटिया 18 साल की हो गई है, अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी शादी करा दो। नहीं बाबूजी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे और पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में टॉप करके स्कॉलरशिप पाना है। बस आगे एक और शब्द नहीं, इन किताबों से तुम्हारा कुछ नहीं होगा।
किया है, आपका नाम रोशन किया है, बड़ी अच्छी किस्मत पाई है आपने। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं गलत था, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बेटी पे एक्ट अभी आपने देखा, आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बेटी के बाप हैं तो बेटी को वहां तक पढ़ाना जहां तक वो पढ़ना चाहती है, कभी बीच में मत रोकना, उस बेटी को उस मंजिल तक पहुंचाना जहां तक वो जाना चाहती है। आप लोग यहाँ जो बैठे हैं हाथ खड़ा करके मेरा समर्थन करें कि कैंसर पीड़ित किसी भी बच्चे को, पूरी बात सुनिएगा सर प्लीज, पहले मेरी, कैंसर पीड़ित किसी भी बच्ची को हेल्प करने के लिए ये हाथ सदा ऊपर रहेगा। जिसके माँ या बाप कैंसर से पीड़ित है उनके लिए हमारे विद्यालय ने ऐसी नन्ही परी स्कीम दी है कि 5 बेटी हर साल गोद लेके पढ़ाने वाला हूं। उस बच्ची को आप में से जो भी गार्जियन उसको बुक्स दिलाना चाहे सादर आमंत्रित है, उसको यूनिफॉर्म दिलाना चाहे सादर आमंत्रित है। और अगर यहाँ गुरदत्त जी स्काउट वाले बैठे हैं, प्लीज सर ये आइए सर, प्लीज आपको उस शख्स से मिलाना चाहता हूँ, इन्होंने ये कह रखा है। अगर यहाँ शिव शू सेंटर से कपिल जी बंसल है तो कृपया वो भी स्टेज पे आए। हमने ऐसी मुहिम शुरू की है पिछले 2 साल से, 5 बेटी गोद लेके हर साल पढ़ा रहा हूं, जिनको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिफॉर्म देने वाले मिस्टर गुरदत्त मेहरा मेरे साथी अनमोल स्कूल ड्रेस से, और ऐसे ही साथी हैं कपिल जी बंसल। तो क्या हम जिस घर में बेटी नहीं है वो फादर हाथ ऊपर करके ये कहे कि जी आज बीएम स्कूल से मैं ये शपथ लेके जाता हूं कि एक कैंसर पीड़ित माँ बाप की बेटी को पढ़ाने का बीड़ा उठाता हूं। अब आप हाथ ऊपर करिए, मैं देखता हूं कौन कौन मेरी बात का समर्थन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक फंक्शन में जाने का पहले मुझे मौका मिला चौटाला में, वहां पे मैंने ये बात कही तो किसी का हाथ ऊपर नहीं उठा, और यहाँ 15 साथी मेरे ऐसे हैं, तो जहां आप खुद अच्छे हैं वहां सारा जग अच्छा लगने लगता है। बट एक बेटी का बाप ही जानता है कि बेटी का बाप क्या होता है। बेटी को बाप बुजुर्ग कहा करते थे, बेटी को बाप कोई गलती करते थे, तो आप बेटी के बाप बनने का सौभाग्य ले सकते हैं। और किसी के मन में ये हो कि सर मेरे को बेटी नहीं मिली, बीएन स्कूल प्रोवाइड कराएगा, आपको फीस मैं नहीं लूंगा, बाकी सामान आपने दिलाना है, उस बच्ची को पढ़ाने का बीड़ा आपने उठाना है। थैंक यू, थैंक यू संदीप जी। अभी कार्यक्रम में देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं संदीप जी के साथ हूं, क्योंकि हम स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जितने ज्यादा बच्चे हमारे पास इस विद्यालय से आते हैं, मोस्टली उनमें इनका एक ही फोन जाता है कि सर ये बच्चा हमारा गोद लिया हुआ है। मैं हमेशा हंसता हूं, संदीप जी क्या सारा स्कूल ही आपने गोद ले रखा है क्या? बहुत अच्छी बात है, बिजनेस अपनी जगह है, और हमारा जो कारोबार जिसको हम कहते हैं बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक सरोकार के कार्य करना ये एक अपनी जगह है। बहुत कम ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि जो इस प्रकार से सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। मैं इन्हें आश्वासन देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी इस प्रकार का बच्चा हो, जिसके मैं तो ईश्वर से ये कामना करूंगा कि किसी के भी बच्चे के मां बाप को कैंसर हो ही ना,
किसी के बच्चे के माँ बाप को कैंसर हो ही ना, हम तो ये ईश्वर से कामना करते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की मर्जी है अगर कोई बच्चा इस प्रकार से पीड़ित है तो मैं अपनी तरफ से उस बच्चे की हम हर संभव सहायता करेंगे। मैं ये विश्वास संदीप जी और भगत सिंह जी अंकल जी के कारोबार से जुड़ा हुआ ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। जदों वजन डोलते नगाड़ा दोस्तों भंगड़े च आ जाता है नजारा दोस्तों, जदों वजन डोलते नगाड़ा दोस्तों उत्त नचदियां होन मुटियारा सोनिया नाल पै जान यारो एक तो एक चढ़दियां बोलियां बस नहीं हटदा है नचनो यारा दा यार दोस्तों भावे पा लो किन्नी मर्जी दुहाई दोस्तों। जी हाँ, शाना शौकत दिखाने की बात हो या किसी से अपनापन जताने की या फिर जिंदगी के हर लम्हे को भरपूर जीने की, कोई भी जान और समझ सकता है कि जिगर हो रहा है पंजाबियों का। ना किसी दी फिकर ते ना किसी नाल वैर, ना किसी दी फिकर ते ना किसी नाल वैर, खुला खाना हंसना बोलना करते रहना सह, सिर ते पग हाथ च कड़ा, सिर ते पग हाथ च कड़ा, अज सजोन आए मंच साडा ग्रुप ऑफ भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। Show me what you do now. We don't have to go on. We don't have to go on. We don't have to go on.
3, 2, 1. नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। दुनिया तो बाजी जित के असी मशहूर हो गए, इना मुस्कुराए कि सारे दुख दूर हो गए। दुनिया तो बाजी जित के असी मशहूर हो गए, इना मुस्कुराए कि सारे दुख दूर हो गए। असी कच्च दे सी सानू जमाने ने सुट दिता सी, थोड़े चरण चाहे तो कोई नूर हो गए। एक ओंकार सतनाम करता पूरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अधूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक हो सी पी सच जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे चतर दिशा की नो बल अपना सिर ऊपर कर तारियो कृपा की टाखियां लोकन की ना दस का दुख भी सारो चतर दिशा की नो बल अपना सिर ऊपर कर तारो कृपा की टाखियां लोकन की ना दस का दुख भी सारो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई
हसमुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। हर जन राखे गुर गोबिंद राखे गुर गोबिंद। कंठ लाए अव गुण सब मेटे दल पुरख बख्शंद। कंठ लाए अव गुण सब मेटे दल पुरख बख्शंद। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। सोई सोई देवे। सोई सोई देवे। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अपनी कक्षा में हमेशा टॉपर रहा इसी गुरुवाणी की वजह से। इनके लिए जोरदार तालियां। मंच देखकर किसका मन नहीं करता कि वह मंच पर आए और अपनी कोई भी प्रस्तुति दे। हमारे एक विद्यालय के अध्यापक, उनका भी मन कराया कि वो भी मंच पर आए। और पार्वती मैम अभी आपके सामने आ रहे हैं एक गाना प्रस्तुत करने के लिए। तो पार्वती मैम, किसी को अपनी दौलत पे नाज होता है, किसी को अपनी दौलत पे नाज होता है और किसी को अपनी शोहरत पे नाज होता है। जिसके साथ बीएन परिवार हो, जिसके साथ बीएन परिवार हो, उसे अपनी किस्मत पे नाज होता है, उसे अपनी किस्मत पे नाज होता है। बीएन परिवार है हमारा। खुले जब गुरुजनों के हुनर का पिटारा।
रेतों के गानों में, दिलों के गानों में, फलकों के गट्टों में, बातों के अच्छों में, धुंधला राज भर में, दस बार बार कर गलियों में राशन की फलियों में पैरों में वीरों में ईदों में दीदों में रेतों के गानों में दिलों के गानों में फलकों के गट्टों में बातों के अड्डों में ढूंढा रोज भर दस बार बार करते